हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट ट्रिक्स एपिसोड। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने कंप्यूटर पे किसी भी वेबसाइट को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। यानी कि अगर हम कोई भी वेबसाइट को अपने सिस्टम पे यानी कि कंप्यूटर पे अगर ब्लॉक कर देंगे तो वो वेबसाइट हमारे सिस्टम पे एक्सेस नहीं होगी। भले ही इंटरनेट हमारा चल रहा होगा, वो कोई भी वेबसाइट हो उसको कोई भी ओपन नहीं कर सकता जब तक हम उसको हटा नहीं देते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें ये काम करना क्यों है। तो जिससे अगर मान लीजिए अगर आप पेरेंट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको अपने चाइल्ड के लिए ब्राउजर पे एक्टिविटी वो क्या कर रहा है ये तो आप देख नहीं रहे हैं। तो अगर आप कोई चीज जैसे कि गलत कोई चीजें हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि वो फेसबुक ना यूज कर पाए, वो यूट्यूब ना यूज कर पाए, ये सारी चीजें अगर वो ना यूज कर पाए, तो इसके लिए आप इस वेबसाइट को, इन सारी जो भी वेबसाइटें हैं इनको आप ब्लॉक कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ताकि वो जब भी इन वेबसाइटों को सर्च करेगा तो वो ओपन नहीं कर पाएगा। तो इस पर्पस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलेज में या स्कूल्स में भी ये वेबसाइट बंद होती है, जैसे कि फेसबुक बंद होता है वहाँ पर, कभी कभी यूट्यूब बंद होता है, तो ये सारी चीज़ें भी ये कंट्रोल इस तरीके से करते हैं। तो बेसिकली आपको इस चीज़ को इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे आपके कंप्यूटर के अंदर जाना होगा। यहाँ पे आपके कंप्यूटर के सी ड्राइव के अंदर आपको जाना होगा। सी ड्राइव के अंदर आपको जाते ही फिर आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे विंडोज का यहाँ पे फोल्डर मिलेगा। फिर उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास कुछ ये सारे मेन्यू आ जाएंगे। देन उसके बाद से आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके सर्च करना है, सिस्टम 32 करके एक फोल्डर होगा, तो यहाँ पे स्क्रॉल करते जाएंगे और आप नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिस्टम 32 का एक फोल्डर है, इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। फिर इसके अंदर एक और फोल्डर के अंदर हमें नेविगेट करना है जो कि है ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ड्राइवर्स नाम का एक फोल्डर है, इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से ये ETC एक फोल्डर है जो एक्स्ट्रा फोल्डर होता है, इसके अंदर आपको क्लिक करना होगा। हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। तो सिंपल, यहाँ पे बहुत सारी फाइलें हैं, तो यहाँ पे एक फाइल है होस्ट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो ये जो फाइल है होस्ट, इसको आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको नोटपैड से ओपन करना है। तो आपके पास अगर नोटपैड प्लस प्लस है तो आप उससे ओपन कर लीजिए, या फिर आपके पास सिंपल वहाँ पे ऑप्शन आएगा नोटपैड का तो आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो जिसे आप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी यहाँ पे एक नोटपैड की यहाँ पे फाइल खुलेगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा कंटेंट इसके अंदर पड़ा होता है। तो आपको अगर किसी भी वेबसाइट को बंद करना है, जैसे कि ब्लॉक करना है, तो जिसे अगर मान लीजिए आपको फेसबुक को बंद करना है अपने सिस्टम के अंदर, ताकि आपके सिस्टम के अंदर अगर कोई एक्सेस करना चाहे फेसबुक को तो वो एक्सेस ना हो, तो आपको यहाँ पे सिंपल IP एड्रेस कुछ ऐसा टाइप करना होगा, जिसे जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है सेम आप कॉपी करिए और यहाँ पे जो यहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे आप 2 कर दीजिए या फिर 3 कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फेसबुक को अगर मान लीजिए ब्लॉक करना है तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा facebook.com, और इसका एक और अल्टरनेटिव होता है जिसे मैं इसी को आप कॉपी कर लीजिए, फिर इसको इधर पेस्ट कर लीजिए, और इसका अल्टरनेटिव एक होता है www, यानी कि कभी कभी ये facebook.com अगर आप क्लिक करते हैं, वेबसाइट सर्च करते हैं अगर क्रोम में, तो ये facebook.com से भी खुल जाती है, www टाइप करके भी आप करते हैं तो भी खुल जाती है। तो आप इन दोनों को एक साथ ही ब्लॉक कर देना ताकि फेसबुक खुले ही ना। तो इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे फाइल पे जाना है, देन उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप इस फाइल को बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे सिंपल आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे जाना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना होगा facebook.com, और जैसे आप इस पे facebook.com यहाँ पे सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, यहाँ पे रिफ्यूज कनेक्शन का आ रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन है ये कनेक्टेड है, लेकिन हमने वहाँ पे इस वेबसाइट को ब्लॉक कर रखे रखा है, इसके लिए ये वेबसाइट यहाँ पे ब्लॉक हो गई है, ये वेबसाइट नहीं ओपन हो सकती है। तो इस तरीके से आप जो भी वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं आप ये इसके अंदर वो एंट्री डाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जैसे कि फेसबुक मैंने डाला है, ऐसे ही आप यूट्यूब का भी डाल सकते हैं या कोई भी वेबसाइट हो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, वो वेबसाइट आपकी ओपन नहीं होगी आपके सिस्टम पे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप ये अपने बच्चों के लिए अगर ऐसा कुछ लगाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 2 अकाउंट बना लीजिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक तो जो आप हैं, और एक गेस्ट अकाउंट बना लीजिए। उसी गेस्ट अकाउंट पे आप ये चीज़ सेट कर सकते हैं, ताकि अगर आपका जो बच्चा है अगर वो एक्सेस करना चाहता है ये सारी वेबसाइटों को तो वो एक्सेस ना कर पाए। तो अगर आपको ये भी जानना है कि कैसे आप लोकल अकाउंट बना सकते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को कैसे आप यूज करते हुए सारा कुछ कर सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा, मैं उससे रिलेटेड एक और वीडियो बना दूंगा। तो ये सारी वेबसाइटें तो ऐसे करके ब्लॉक होगी। फिर आपको अगर इनको अनब्लॉक करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे करना क्या है, ये जो आपने लाइन यहाँ पे ऐड किया था इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, और फिर उसके बाद से फाइल के ऊपर यहाँ पे जाके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद
इसको इस फाइल को बंद कर दीजिए। यहाँ पे ब्राउजर को एक बार बंद करना होगा पहले, फिर उसके बाद से जैसे ही आप यहाँ पे ब्राउजर ओपन करके फेसबुक यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे फेसबुक ओपन हो जाना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अभी ये ओपन नहीं हुआ, तो देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर एक और यहाँ पे होस्ट फाइल है, इसको भी जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे एंट्री वो जो चीज हमने उसमें ब्लॉक किया है यहाँ पे शायद ऑटोमेटिकली हो जाए या फिर ना भी हो। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप इसको यहाँ से रिमूव करिए, वापस से इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दीजिए। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटर मोड कहेगा, आप इसको ओके कर दीजिए। तो ये सेव होने के बाद इस फाइल को बंद कर दीजिए। वापस से बंद होने के बाद इस ब्राउजर को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए ताकि जो सेटिंग है हमारी काम करने लगे। तो जैसे यहाँ पे फेसबुक आप सर्च करते हैं फिर उसके बाद से एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए फेसबुक आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, कुछ ऐसी नई ट्रिक्स के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।